जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में आप जिन भी देवी देवता में यकीन रखते हैं उनका नाम लिखें। हम आज बात करने वाले हैं प्यार के अकॉर्डिंग, कि प्यार जो होता है वो उसमें धोखे होते हैं, उसमें कई सारी परेशानी और कई सारी तकलीफ। तो प्यार से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें तो शायद आपको, आपकी परेशानी मुझे नहीं पता, लेकिन इससे आपको शायद एक रास्ता जरूर मिल जाएगा। कई बार हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन घर वाले मंजूर नहीं होते, शादी नहीं कर पाते हैं। कई बार कुछ मजबूरियाँ होती है और कई बार तो ये चीज़ें होती है कि समझ से परे होती है, कि सामान्य सी छोटी सी बातों पर बवाल हो जाता है। तो देखिए, इन सभी चीज़ों में एक सबसे कॉमन चीज़ है कि आपको प्यार के उस स्तर तक न जाए जहाँ से कुछ समझ आना बंद हो जाए। और आज के इस दौर में व्यक्ति उसी जगह पर बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं कि जहाँ से कुछ समझ आना बंद हो जाता है। अब अपने परिवार, फैमिली, अपनी जिम्मेदारियों को पहले समझें, उसके बाद ये अगले कदम की ओर आप आगे बढ़ें। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना परिवार बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। बाकी चीज़ें तो एक समय के बाद होता है और एक समय के बाद इन चीज़ों का आगमन होता है। दूसरी बात है कि इन चीज़ों में एक सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि हम कई बार समझने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं और एक नशा जो होता है, एक खुमारी जो होती है, उस खुमारी में इतना डूबे होते हैं कि सच को हम देख नहीं पाते। तो सच को देखने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तीसरी बात है कि धोखा देना, नहीं मिलना, ये तमाम चीज़ों से गलत रास्ते पे इख्तियार होना या गलत रास्ते को अपनाना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत अमूल्य है और ये फिर हमें नहीं मिलेगा। ये तमाम चीज़ें, घटनाएं तो चलती रहेगी और किसी भी तरह से इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। आज का युवा, आज का यूथ एकदम इतना डूबा हुआ है कि उसे थोड़ा सा भी इन चीज़ों को वो सहन नहीं कर पाता और सहन शक्ति जो है वो बिल्कुल सा खत्म हो चुकी है और इतना नेगेटिव हो जाता है कि न जाने उसके मन में कितने सारे गलत गलत ख्याल आते हैं। तो आप अपनी व्यक्ति अपने अंदर के अनुभवों को, अपने अंदर की चीज़ों को आप समझे बहुत अच्छे से और फिर ही कोई कदम उठाए। अब रही बात चौथी बात, कई बार होता यह है कि दोनों पक्ष तैयार होते हैं लेकिन कोर्ट कचहरी का जो होता है वहाँ पे कई बार होता है लड़के का पलट जाना, लड़की का पलट जाना। ये सिचुएशन है आज के दौर में, बहुत से खबरें मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ। तो इससे निपटने के लिए भी आपको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि क्या हम विश्वसनीय, जिन पर विश्वास कर रहे हैं वो विश्वसनीय है या नहीं है। कहीं घर के दबाव में या कहीं किसी भी चीज़ में वो बदलाव तो नहीं हो जाए या बदल तो नहीं जाए, क्योंकि उससे हमारा परिवार परेशानी में आता है। हम तो ठीक ही हैं लेकिन हमारा परेशान घर, जो घर वाले हैं जिनका कोई दोष नहीं, वो इसमें परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसका एक अच्छा असर है कि अगर दूरी हो जाए, सब सामान्य चीज़ें हो रही है तो ठीक है, हाँ है, और अगर नहीं हो रही है तो आज के इस दौर में दो कदम पीछे लेने में भी कोई कोई कोताही ना बरतें, क्योंकि वो दौर नहीं है जो दौर एक हुआ करता था। आज का दौर बिल्कुल अलग है और इस दौर में कई सारी परेशानियां जो नहीं थी वो दिखाई देती है। फिर भी मैं तो यही ईश्वर से दुआ करता हूँ कि सभी को मिले और सभी व्यक्ति खुश रहें, अच्छे से रहें। पर इन चीज़ों को इसलिए मैं आपसे इंगित कर रहा हूँ कि आप करने कुछ और जाओ और आपको और कुछ मिले, इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय लिखें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।